दर्शकों को शुक्ला चौधरी का प्यार भरा नमस्कार। आज के इस कवि और कविता की श्रृंखला में हम बात करेंगे और सुनेंगे महान कवि श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को। हाँ, आप सब उन्हें जानते हैं भारत देश के 10वें प्रधानमंत्री के रूप में, पर आप में से बहुतों को शायद नहीं मालूम कि वो कितने बड़े कवि थे, पत्रकार थे और कुशल प्रवक्ता थे। वैसे तो वो उत्तर प्रदेश के आगरा जिले से थे, परंतु उनका जन्म ग्वालियर में हुआ था क्योंकि उनके पिता उस समय ग्वालियर में अध्यापन का काम करते थे। कवि और कविता उन्हें विरासत में मिली थी क्योंकि उनके पिता श्री ग्वालियर के एक मशहूर कवि भी थे। आगे चल के उन्होंने राष्ट्रीय सेवक संघ में बहुत अहम भूमिका निभाई और अपना एमए और एलएलबी उन्होंने कानपुर से किया। इसी बीच उनका रुझान राजनीति की तरफ बढ़ता गया, पर आज हम उस विषय में बात नहीं करेंगे क्योंकि आज हम सुनेंगे उनकी कविता। इस महान कवि को 2014 दिसंबर में भारत रत्न से नवाजा गया। और अब इससे पहले कि हम उनकी कविताओं को सुने, आइए जान लेते हैं उनके कुछ चुनिंदे सम्मान। पद्म विभूषण डिलीट कानपुर विश्वविद्यालय से, लोकमान्य तिलक पुरस्कार, श्रेष्ठ सांसद पुरस्कार, भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत पुरस्कार डिलीट मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय से, फ्रेंड्स ऑफ बांग्लादेश लिबरेशन वॉर अवार्ड बांग्लादेश सरकार द्वारा प्रदत्त, और भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न। उनकी कविताओं में जाने से पहले, चूंकि आज हम बात कर रहे हैं कवि और कविता की, और एक कवि के कविता को बहुत गहन रूप से प्रभावित करता है कवि का जीवन, हम आपको बता देना चाहते हैं कि उनका पूरा जीवन देश सेवा को उत्सर्ग रहा, साहित्य सेवा को उत्सर्ग रहा। इस बीच उन्हें विवाह करने का भी वक्त नहीं मिला और वो अपने पालित पुत्री के पास ही रहा करते थे। तो आइए सुनते हैं कैदी कविराय की कुंडलियाँ। गूंजी हिंदी विश्व में स्वप्न हुआ साकार, राष्ट्र संघ के मंच से हिंदी का जयकारा, हिंदी का जयकार, हिंद हिंदी में बोला, देख स्वभाषा प्रेम विश्व अचरज में डोला, कह कैदी कविराय मेम की माया टूटी, भारत माता धन्य स्नेह की सरिता फूटी, बनने चली विश्व भाषा जो अपने घर में दासी, सिंहासन पर अंग्रेजों को लगकर दुनिया हासी, लगकर दुनिया हासी, हिंदी वाले हैं चपरासी, अफसर सारे अंग्रेजी मय अफती हो मद्रासी, कह कैदी कविराय विश्व की चिंता छोड़ो, पहले घर में अंग्रेजी के गढ़ को तोड़ो। आइए अब सुनते हैं आओ फिर से दिया जलाए। आओ फिर से दिया जलाए, भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से हारा, अंतर तम का नेह निचोड़े, बुझी हुई बाती सुलगाए, आओ फिर से दिया जलाए, हम पड़ाव को समझे मंजिल, लक्ष्य हुआ आँखों से ओझल, वर्तमान के मोह जाल में आने वाला कल न भुलाए, आओ फिर से दिया जलाए, आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, अपनों के विघ्नों ने घेरा, अंतिम जय का वज्र बनाने नव दधीची हड्डियां गलाए, आओ फिर से दिया जलाए। और अब मैं आपके सामने पेश करना चाहूंगी उनकी एक मशहूर कविता, ना मैं चुप हूं ना गाता हूं, ना मैं चुप हूं ना गाता हूं, सवेरा है मगर पूरब दिशा में खिर रहे बादल रुई से धुंधल के में, मील के पत्थर पड़े घायल ठिठके पाँव ओझल गांव, जरता है न गतिमयता स्वयं को दूसरों की दृष्टि से मैं देख पाता हूँ, ना मैं चुप हूँ ना गाता हूँ, समय की सदर सांसों ने चिनारों को झुलस डाला, मगर हिमपात को देती चुनौती एक दुर्ममाला, बिखरे नीर विहंस से चीर,
आंसू है ना मुस्काने, हिमानी झील के तट पर अकेला गुनगुनाता हूँ, ना मैं चुप हूँ ना गाता हूँ। हमारी अगली पेशकश है मन का संतोष। देखिए, कवि ने मन के संतोष जैसे एक गूढ़ भाव को कितनी खूबसूरती से पेश किया है। पेश है मन का संतोष। पृथ्वी पर मनुष्य ही ऐसा एक प्राणी है जो भीड़ में अकेला और अकेले में भीड़ से घिरा अनुभव करता है। मनुष्य को झुंड में रहना पसंद है। घर परिवार से प्रारंभ कर वह बस्तियां बसाता है, गली नगर सजाता है। पुरग्राम सभ्यता की निष्ठुर दौर में संस्कृति को पीछे छोड़ता हुआ प्रकृति पर विजय मृत्यु को मुट्ठी में करना चाहता है। अपनी रक्षा के लिए औरों के विनाश के सामान जुटाता है। आकाश को अभिशप्त, धरती को निर्वासन, वायु को विषाक्त, जल को दूषित करने में संकोच नहीं करता। किंतु यह सब कुछ करने के बाद जब वह एकांत में बैठकर विचार करता है, वह एकांत फिर घर का कोना हो या कोलाहल से भरा बाजार, या प्रकाश की गति से तेज उड़ता जहाज, या कोई वैज्ञानिक प्रयोगशाला, या मंदिर या मरघट, जब वह आत्मलोचन करता है, मन की परतें खोलता है, स्वयं से बोलता है, हानि चोखा नहीं लाभ का लेखा, क्या खोया क्या पाया का हिसाब भी नहीं, जब वह पूरी जिंदगी को ही तौलता है, अपनी कसौटी पर स्वयं को ही कसता है, निर्ममता से निरखता परखता है, तब वह अपने मन से क्या कहता है। इसी का महत्व है, यही उसका सत्य है। अंतिम यात्रा के अवसर पर, विदा की वेला में, जब उसका साथ छूटने लगता है, शरीर भी साथ नहीं देती, तब आत्मग्लानि से मुक्त यदि कोई हाथ उठाकर यह कह सकता है कि उसने जीवन में जो कुछ किया सही समझ कर किया, किसी को जानबूझकर चोट पहुंचाने के लिए नहीं, सहज कर्म समझ कर किया, तो उसका अस्तित्व सार्थक है, उसका जीवन सफल है। उसी के लिए यह कहावत बनी है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा जल है। कवि वाजपेयी जी एक सफल राजनीतिज्ञ थे, पर सफलता क्या है? एक मुकाम पर पहुंचकर वही अकेलापन, वही एकाकीपन, और इस अकेलेपन को, इस एकाकीपन को उनके कविताओं ने देखी कितनी खूबसूरती से उजागर किया है। तो आइए सुनते हैं। झुक नहीं सकते, टूट सकते हैं, मगर हम झुक नहीं सकते। सत्य का संघर्ष सत्ता से, न्याय लड़ता निरंकुशता से। अंधेरे ने दी चुनौती है, किरण अंतिम अस्त होती है। दीप निष्ठा का लिए निष्कंप, वज्र टूटे या उठे भूकंप, यह बराबर का नहीं है युद्ध। हम निहत्ते हैं, शत्रु है सनत, हर तरह के शस्त्र से है सज्ज। और पशुबल हो उठा निर्लज्ज, किंतु फिर भी जूझने का प्रण, अंगद ने बढ़ाया चरण। प्राणपण से करेंगे प्रतिकार, समर्पण की मांग अस्वीकार। दांव पर सब कुछ लगा है, रुक नहीं सकते। टूट सकते हैं, मगर हम झुक नहीं सकते। यूं ही उनका जीवन बीत चला, और यूं ही हम सबका जीवन भी बीत चला, और इसी पर उनकी अगली कविता है। जीवन बीत चला, जीवन बीत चला, कल कल करते आज हाथ से निकले सारे। भूत भविष्य की चिंता में वर्तमान की बाजी हारे। पहरा कोई काम ना आया, रसघट रीत चला, जीवन बीत चला। हानि लाभ के पलड़ों में तुलता जीवन व्यापार हो गया। मोल लगा बिकने वाले का, बिना बिका बेकार हो गया। मुझे हाट में छोड़ अकेला, एक एक कर मीत चला, जीवन बीत चला। अपने कविताओं के बारे में वो
दो लाइन अक्सर कहा करते थे कि मेरी कविता युद्ध की घोषणा है, हारने के लिए निर्वासन नहीं है। तो ये थी स्वर्गीय वाजपेयी जी के प्रति हमारी छोटी सी श्रद्धांजलि। तो फिर मिलेंगे किसी और विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।